चलो ये क्या है क्वेश्चन. चलो ए बॉडी ऑफ मास रिलीज फ्रॉम ए पैराबोलिक पाथ है सोन इज अज्यूम द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मास फ्रॉम द ओरिजिन इज स्मॉल एम. इच ग्राफ करेक्टली डिपिक्ट द पोजिशन ऑफ पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम. हाँ देखो ये एक्चुअली जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन वही कर पाएगा जो लास्ट वाला है तो वर्क एनर्जी पावर का, बट एक्चुअली ये SSM के कॉन्सेप्ट से भी इसको कर सकते हैं. ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्वेश्चन है. ये कहता है पहले क्वेश्चन को समझो, ये पोटेंशियल एनर्जी एक ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है इधर समझो एक ग्राफ दिया हुआ है, ये ग्राफ पोटेंशियल एनर्जी और पोजिशन का ग्राफ है Vx, ठीक है ये जो है वो पोटेंशियल एनर्जी और Vx का ग्राफ है. तो अब देखो इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है. ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्वेश्चन है. सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है कि एक पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट होता है फिर इधर जाएगा फिर वापस आएगा फिर इधर जाएगा फिर इधर आएगा, लाइक जो है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन का, बहुत छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए ये इस टाइप है. और बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, ये यहाँ पे दिया हुआ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है डिस्प्लेसमेंट इज स्मॉल मतलब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है. तो इस पोजिशन पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम है यार. अब सिंपल हार्मोनिक मोशन में आप पढ़े होंगे जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, हाँ इस पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है और इस पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है जहाँ से छोड़ा गया है, ठीक है. अब आपको पता होगा कि अगर यहाँ से छोड़ा जा रहा है टी इज इक्वल टू जीरो से, तो इस ये टी इज इक्वल टू जीरो पर इसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, समझना इसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है. अगर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है तो पार्टिकल यहाँ रहता है एक्सट्रीम पोजीशन पर रहता है और उसकी वेलोसिटी जीरो होती है, ठीक है भाई. जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो इस क्वेश्चन को स्किप कर दे, सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ेगा फिर करेगा ये क्वेश्चन. एक्सट्रीम पोजिशन पे जो वेलोसिटी होती है वो जीरो होती है. अगर एक्सट्रीम पोजिशन पे वेलोसिटी जीरो, इसका मतलब है जब टाइम जीरो था तो वेलोसिटी जीरो था, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप होगा वो क्या देता है भैया, वेलोसिटी देता है, ठीक है डिस्प्लेसमेंट. ये मैं जुगाड़ से कर रहा हूँ, आप अभी आपको एक और तरीका बताऊंगा इसको करने का. तो एक्सट्रीम पोजीशन पे जब टाइम जीरो था तो वेलोसिटी जीरो थी यार, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है dx अपॉन dt वो क्या देता है, वो वेलोसिटी देता है यार. तो इसका मतलब ये हुआ जब टाइम जीरो था तो स्लोप जीरो होना चाहिए यार, ठीक है. स्लोप जीरो तभी होगा जब ये कभी सही नहीं हो सकता, इसमें स्लोप जीरो नहीं है t इक्वल टू जीरो पर, ये कभी सही नहीं हो सकता, स्लोप जीरो नहीं है, ये भी कभी सही नहीं हो सकता, यहाँ स्लोप जीरो नहीं है, मतलब ये t इक्वल टू जीरो पर देख रहे हो ये ग्राफ ऐसे कुछ आएगा, हाईएस्ट पॉइंट ये है तो ये सही है. यहाँ पे स्लोप आता है ना, यहाँ पे स्लोप जीरो है, क्लियर है. अगर इससे क्लियर नहीं हुआ आपको, इससे क्लियर नहीं हुआ तो आप जो है ऐसे भी कर सकते हैं इसको. ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में जब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट किया है, यहाँ टी इज इक्वल टू जीरो से स्टार्ट किया है, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे जो वाई इज इक्वल टू होता है ए साइन थीटा, ठीक है वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, साइन इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, ए भी सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम. इसका मतलब ये हुआ जो भी सही होगा वो साइन का कर्व भी सही होगा. तो साइन का कर्व इसमें से कौन सा, ये कभी सही नहीं हो सकता, ये कभी सही नहीं हो सकता, साइन का कर्व नहीं है, ये वाला और ये वाला, इन दोनों के सही होने के चांस है. लेकिन सही होने के चांस है जब t इक्वल टू जीरो था, फिर ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा ही लगेगा. जब t इक्वल टू जीरो था एक्सट्रीम पोजिशन पे तो वेलोसिटी जीरो थी यार, तो t इक्वल टू जीरो पर यहाँ वेलोसिटी जीरो थोड़ी है, वेलोसिटी यहाँ पे जीरो है, ठीक है. ग्राफ कुछ ऐसा, ये वाला ग्राफ कुछ ऐसा है, ऐसा है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, यहाँ पर वेलोसिटी जीरो है, तो ये सही है टी इज इक्वल टू जीरो पे,